आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा तारा, अब मैं क्या करूं तारा, चलूं सीधी के उल्टी चलूं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। यूं ही बिन बात के छलकी जाए हंसी, डोले जब हवा लागे गुदगुदी, यूं ही बिन बात के छलकी जाए हंसी, डोले जब हवा लागे गुदगुदी, समझूं गिर पड़ूं तारा, तौबा क्या करूं तारा, चलूं सीधी के उल्टी चलूं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। दोस्तों, कविता जी, कविता कृष्णमूर्ति जी के बारे में आज मैं कुछ अपने तजुर्बे, उनकी गायकी के बारे में एज ए पर्सन मैं आप लोगों से, आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ। कविता कृष्णमूर्ति एक्चुअली हम लोग की फर्स्ट पिक्चर से ही हमारे साथ जुड़ गई थी और बहुत ही सहज और बहुत सरल स्वभाव है उनका। मुझे याद है एक बार हम लोग US जा रहे थे और उस वक्त हमारा बिल्कुल नाम नहीं था, हम स्ट्रगल ही कर रहे थे और मैं, कविता जी उस वक्त बैंड्रा में रहती थी, वो एक बैंड्रा में एक लेक है, वो लेक के ही बगल में एक बिल्डिंग है, वहाँ रहती थी वो। तो मैं और ललित हम लोग गए और कविता जी से कहा कि दीदी ऐसा ऐसा एक शो आया है, अगर आप साथ में चलेंगी तो ये शो मटेरियलाइज हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जो शोज़ होते हैं वो सिंगर्स के ही ज़्यादातर होते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर के तो सिंगर होते हैं साथ में तो शो हो जाते हैं। और ये बात कविता जी से हमने कही तो कविता जी ने बोला मुझे तुम थोड़ा टाइम दे दो, मैं कुछ कर रही हूँ ऑलरेडी उन दिनों, लेकिन मैं कोशिश करके तुम्हारे साथ आ जाऊँगी। और आप बिलीव करिए कि कविता जी का ख़ुद फ़ोन आया और मुझे बोलने लगी, जतिन तुमने वो शो की बात की थी, मैंने मेरा जो एक कोई शो था वो ऐसा हाँ ना ऐसा हो रहा था, तो मैंने ही उनको ना बोल दिया, मैंने बोला कि मैं ऑलरेडी जा रही हूँ जतिन ललित के साथ US से, तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। और इस तरह का मतलब अपफ्रंट जाके हेल्प करना म्यूज़िक डायरेक्टर को, ये बहुत कम लोगों में ये क्षमता होती है और कविता जी ने ये करके दिखाया। और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर की दिल जीतने की बात होती है और ऑफकोर्स कलाकार में दम होना चाहिए, कलाकार में दम हो, म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ बहुत अच्छा सिंक में हो, तो ये बात फिर बहुत लंबा चोली दमन का साथ हो जाता है। कई पिक्चरों में कविता जी ने गाया और बहुत अच्छा गाया और मुझे कविता जी को जो पूरा पोटेंशियल उनका जो है वो यूज़ करने का मौका खामोशी द म्यूज़िकल में मिला। उसमें जो उन्होंने गाने गाए हैं, अरे बाप रे बाप, बयान नहीं किया जा सकता। एक सिचुएशन थी उसमें कि पहले तो वो सिचुएशन में गाना बनाना ही बाय इटसेल्फ बड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि संजय लीला बंसाली ने बोला कि भाई जतिन ललित देखो ऐसा है कि ये गाने में ऐसा है कि वो अपना हैंड लैंग्वेज से अपनी मम्मी डैडी को समझा रही है कि वो बोल क्या रही है, क्योंकि मम्मी डैडी जो है गूंगे और बहरे हैं, ना वो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो ये सिचुएशन बाय इटसेल्फ बड़ी डिफ़िकल्ट थी। लेकिन जैसे तैसे हम लोग दोनों ने मिलके गाना बनाया और गाना बहुत पसंद आया, संजय लीला बंसाली ने बहुत हम पीठ थपथपाई, बोली बहुत अच्छा गाना बनाया, कुछ इस तरह से गाना था वो, ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की
ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान। ऐ मेरे हमनशीन, तू जहां मैं वहां, ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान। दोस्तों ये गाना मैंने और ललित ने मिल के कविता जी को पूरी सिचुएशन समझाई और फिल्म की इंटेंसिटी बताई उनको कि फिल्म दीदी ऐसी है कि लड़की जो है वो माँ बाप उसके गूंगे हैं और वो साइन लैंग्वेज में ही उनसे बात करती है। बहुत उस ज़माने के हिसाब से वो बड़ी एडवांस फिल्म बनाई थी संजय लीला बंसाली ने, और संजय लीला बंसाली का उसका अपना संयोग बहुत था म्यूज़िक में, बहुत टेस्टफुल और बहुत अच्छे कान और बहुत अच्छा दिमाग है संजय लीला बंसाली का। अब तो वो खुद ही म्यूज़िक डायरेक्टर हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी कैपेसिटी होगी। लेकिन जब जतिन ललित और संजय लीला बंसाली का कॉम्बिनेशन हुआ तो म्यूज़िक फिर खामोशी जैसा ही आया। कविता जी को सारी सिचुएशन समझाई गई, मैंने उनको बताया कि दीदी ये फिल्म का म्यूज़िक जो है ये अभी जो चल रहा है उससे बिल्कुल अलग है और इसमें आपको बहुत सफाई से और बहुत क्लियरिटी से इसको प्रोजेक्ट करना है पूरे म्यूज़िक को, और जो लड़की की आवाज़ है वो आप ही की आवाज़ है। तो उन्होंने ये बोला बिल्कुल मैं मेहनत करूँगी, और जब जब उनको बुलाया, जहाँ जहाँ बुलाया उनको, हम लोग दूसरा गाना करते रहते थे और उनको रिहर्सल के लिए बुला लेते थे, स्टूडियो में आ जाती थी वो और वो गाने याद कराते गए उनको, इतना ब्रशअप कराया, इतनी रिहर्सल कराया कि वो गाना उनके सिस्टम में जज्ब हो गया। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कविता जी के बारे में कि उनकी मेमोरी बहुत शार्प है और ग्रास्पिंग पावर एक्सट्रीमली पावरफुल है। वो क्या करती हैं, जब गाना याद करती हैं तो सिमल्टेनियसली हिंदी में उस गाने के नोटेशन भी लिख लेती है। तो वो क्या होता है कि फिर कभी अगर ट्यून हल्की सी भी माइंड से निकल जाए तो वो सुर सामने लिखा होता है तो फट से उस पर वो चल देती हैं। तो ये सारी खूबियाँ हैं, और साउथ इंडियन होने के बावजूद कविता जी का डिक्शन बहुत अच्छा है। उसकी वजह ये है कि बरसों कविता जी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ओनली एज ए डबिंग सिंगर गाया है उन्होंने, वो उनको खाली डबिंग करवाते थे और फिर मेन डबिंग लता जी से, आशा जी से, जिससे भी होना हो जाता था। लेकिन कविता जी की जो ये एक प्रोसेस के गाने को पूरी तरह गाना, उसमें पूरी न्यूएंसेस, पूरी फीलिंग और पूरा उसको अपना बच्चा बना के किसी और के गोद में रखना, ये कविता जी का प्रोसेस रहा है सीखने का। तो ऐसा करती गई, और जब वो उनका अपना मौका आया तो वो सारी जो उनका बैकलॉग जो था सीखा हुआ वो काम आने लगा। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि आप म्यूज़िक डायरेक्टर की ट्यून पकड़ के उसको कितना जल्दी याद करके कितना जल्दी वो जैसा चाहता है वैसा गा दें, ये सिंगर का काम होता है। एक दूसरे मानों में आप समझ लीजिए कि सिंगर जो होता है भगवान की देन के बाद एक अच्छा तोता होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह तोते को हम रटा देते हैं गाना और फिर उसमें वो अपनी एडिशन कर सकते हैं अगर उनमें कैपेसिटी तो हो, तो कविता जी में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, बहुत। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कविता जी को गाना, एक किस्सा मुझे याद है कि कविता जी का मोराल एकदम हाई, उनको फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था और हम लोग एक बहुत छोटी सी पिक्चर कर रहे थे, बहुत छोटी रिलेशनशिप में कर रहे थे, वादे इरादे शायद उसका नाम था। तो उसमें एक गज़ल थी और गज़ल एकदम तराशी हुई, गज़ल के हिसाब से ही गज़ल बनी हुई थी। तो कविता जी एकदम एलिवेटेड आई, सनी साउंड में ये रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो गाना सुना उन्होंने, तो गाना बहुत पसंद आया उनको, बोले बहुत अच्छा बनाया है, तो पूरी तो तुम लोग फिल्म का काम करते हो और इतना अच्छा गज़ल बना दी तुमने। बोला दीदी हम लोग भी मिट्टी के घड़े की तरह हैं, जैसा प्रोड्यूसर घड़ता है वैसे बन जाते हैं। तो हंसने लगी, बहुत खुश हुई। तो वो जब गज़ल मैंने याद कराई उनको, तो आप बिलीव करिए, एक तो उनका एलिवेशन प्लस वो गला इतना तैयार, उनका कोई चीज़ उनसे चूकती नहीं है,
तो वो गजल ऐसी गाई उन्होंने, आप कभी होगा तो आप वादे इरादे एक पिक्चर है, छोटी पिक्चर है लेकिन म्यूजिक बहुत अच्छा है, उसमें मैंने भी गाने गाए हैं, तो उसमें वो गजल ऐसी बेसाख्ता, यानी आप समझ लीजिए एकदम हवा की तरह वो गा के गई, और ना तो बहुत ज़्यादा रिहर्सल कराई और ना बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कस हुआ, लेकिन उनको पसंद आया और उन्होंने डिलीवर कर दिया। तो मैं उनको गले लगा लिया, मैं बोला दीदी आप कभी कई बार ऐसा कर देती हैं ना कि फिर ये अल्टीमेटली इतना मन भावुक हो जाता है कि बस मैं आपको फिर गले लग जाता हूँ। मुझे अच्छा है हर गाने में मुझे गले लगो। तो इस तरह से कविता जी की जर्नी रही, और जब कभी भी हम लोग कविता जी को याद करते थे, घर पे हो बाहर हो, और जब भी मिलती हैं तो बहुत प्यार से मिलती हैं। फिर एक दिन कविता जी ने बोला कि जतिन मैं शादी कर रहा हूँ। तो मैं बोला क्या दीदी आप मजाक कर रहे हैं, अभी आप कहाँ शादी करेंगे, आप तो इतना बिजी हैं ऑलरेडी और इतना सारा काम है आपके सर पे, आप कैसे शादी करेंगे। बोले नहीं नहीं मैं शादी कर रही हूँ। तो मैं बोला चलो ठीक है भाई, अब कलाकार हैं, हो सकता है कोई पसंद आ गया हो। फिर उन्होंने पता नहीं मुझे कहाँ ताज होटल के सामने, उन्होंने उनकी शादी वादी हो गई थी, तो ताज होटल के सामने कोई ऐसा जैम सेशन जैसा बहुत मेजर लगा हुआ था, उसमें बड़े बड़े कलाकार परफॉर्म कर रहे थे और आउटडोर था और कोई टिकट शो नहीं था, एनीबडी कैन वॉच इस तरह से था। तो वो दिन उन्होंने अपने हस्बैंड को मिलाया, मैं हस्बैंड को उनको जानता था, वो बहुत बड़े कलाकार हैं, तो उनको मिलाया कि ये मेरे हस्बैंड हैं और ये वायलिन के विजार्ड हैं और सारी कुछ इंटरनेशनल लेवल और ये और वो, बहुत उनकी बात की। और मैं तो उनको खुद जानता ही था हस्बैंड को कि बहुत अच्छा बजाते हैं और वायलिन में उनके साथ मैंने दुबई में परफॉर्म भी किया था। तो मुझे बड़ी बड़ी खुशी हुई कि कविता जी ने शादी भी अच्छी की, करियर भी बहुत अच्छा रहा उनका, और बहुत डिग्निटी से वो काम कट डाउन भी किया उन्होंने, हर किसी का गाना नहीं गाती अब, बहुत सुलझी हुई ज़िंदगी जी उन्होंने। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कविता जी ने शादी के बाद अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया। कविता जी के जो बच्चे हैं, ऑफकोर्स वो उनके बच्चे तो हैं नहीं, लेकिन उनको माँ जैसा उन्होंने उनके साथ व्यवहार रखा, और वो बच्चे भी जो हैं उनको माँ ही समझते हैं, और वो हमेशा जब बोलती हैं आई हैव गॉट माई डॉटर इज़ गोइंग टू कम नाउ आई हैव टू, तो मुझे ऐसा ताज्जुब होता है कि इस तरह के भी क्या दुनिया में लोग हो सकते हैं कि बच्चों को, पति के बच्चों को अपने बच्चों की तरह वो उनको उनका देखभाल करती है, उनकी फिक्र रहती है उनको, और ये सब बात जो है ये जेन्युइन है, ये बनावटी नहीं करती, वो उनके सिस्टम में है इसलिए वो ऐसा करती हैं। तो ये चीज़ की मुझे और उनके लिए रिस्पेक्ट हो गई। मैं बोला यार ये लेडी नहीं है, ये तो एक और हाईली क्वालिफाइड है, क्योंकि साउथ इंडियन है, कृष्णमूर्ति लोग तो वैसे ही बहुत, आप जानते हैं कि बहुत पढ़ाई में साउथ वाले आगे हैं। तो बस दोस्तों, कविता जी के साथ जितने गाने गाए, जितने बनाए, सब गाने सुपर डुपर हैं, और उनको शायद हमारे गानों में फिल्म फेयर भी मिला, कई अवार्ड मिले उनको, और बहुत ईमानदारी से ऑनेस्टी से काम करने वाली लेडी हैं कविता कृष्णमूर्ति, और मेरे साथ और ललित के साथ ऑफकोर्स बहुत तालमेल उनका अच्छा है वो एज ए कलाकार। हाँ, उन्होंने एक बात बोला हम लोग की कंपोजिशन के बारे में कि जतिन ललित, देखिए कितनी अच्छी बात बोली है ये, इस तरह का एक एक जुमले में पूरा कंपोजर को बयान कर देना ये बड़ा मुश्किल काम है, ये कविता जी ने किया है। उन्होंने ये कहा कि जतिन ललित इवन इफ दे मेक कैबरे दे विल गेट इनटू मेलेडी, ये कविता जी के वर्ड्स में, मैं खाली सिर्फ बोल रहा हूँ। तो ये बात को मैंने बाद में सोचा कि हाँ, हम लोग अगर देखिए हार्ड हिटिंग गाने भी बनाएंगे तो वो भी उसमें मेलेडी में घुस जाएंगे, और हम कोई भी जॉनर का होगा तो उसमें हमारे सिस्टम के अंदर मेलेडी ऐसी है कि वो जुड़ जाती है। तो ये कविता जी ने कहा था, और दोस्तों आज कविता जी बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं अपने बच्चों के साथ, उनकी शादी जो है बहुत सक्सेसफुल है, वो बेंगलोर में रहती हैं, और जब कभी भी बॉम्बे आती हैं मुझसे ज़रूर सलाम दुआ हो जाती है। अब पहले की तरह तो फिल्म का म्यूज़िक रहा है नहीं, अब अलग हो गया है, लेकिन जो काम कर दिया है कविता जी ने, वो काम गोल्डन एरा के सिंगर्स में उनका नाम शामिल है, और जो भी संयोग उन्होंने म्यूज़िक में दिया है वो बेजोड़ है, वो हमेशा लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही। आप लोग प्यार से जो भी कमेंट भेजते हैं मैं पढ़ता हूँ उनको, और फिर वो दिमाग में रखता हूँ, और जब कभी भी मुझे मौका मिल जाता है तो मैं वो आपकी जो फरमाइश है वो पूरी करता हूँ। तो आप भी जैसे कविता जी का भी काफ़ी लोगों ने कहा कि जतिन जी आप इनके बारे में बताइए, आप आपने इतना काम किया है, तो इसीलिए मैंने आज कविता जी को ये अपना डेडिकेट किया है। तो दोस्तों आप बस आप लोग से यही कहना है कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ये बात जानेंगे तो मुझे भी खुशी होगी, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और आप लोगों को भी मज़ा आएगा। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अभी ये ट्वाइलाइट का समय है, ये सूरज ढल चुका है और आप देख रहे हैं कि ये सारा नज़ारा कितना खूबसूरत है। इन्होंने दुनिया तो बनाई है लेकिन बड़ी तबीयत से बनाई है, बड़ी ऑनेस्टी से बनाई है। आप देखिए वो लाइट का जो लाइट हैं और वो हैमॉक है और वो क्या बोलते हैं जो गजीबो है, उस लाइट कितनी नीचे खूबसूरत लग रही है, कितनी नीचे अच्छे से जा रही है, वाह 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 वाह। और ये तो क्या है ना कि बहुत छोटे से लेवल पर आप देख पा रहे हैं, लेकिन आँख के सामने देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए क्या बात है, क्या बात है।